हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो पहले तो बता दूं कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। वैसे तो सबको पता है माइक्रोस्कोप क्या है, एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं, मतलब मैग्नीफाइड इमेज जिसमें हमें मिले किसी ऑब्जेक्ट की, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप कई तरह के होते हैं। आज जो हम माइक्रोस्कोप पढ़ने वाले हैं वो सबसे इजी एग्जांपल है माइक्रोस्कोप का, बिल्कुल सिंपल सा एक माइक्रोस्कोप, इसीलिए उसे सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जस्ट एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ बहुत कम है, क्योंकि फोकल लेंथ कम होगी तो उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि पावर होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक, तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज जस्ट अ कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। ठीक है बेटा, कि सिंपल माइक्रोस्कोप जस्ट क्या है, कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कम है। ठीक, अब एक कन्वेक्स लेंस आपने पढ़ा भी है, टेंथ क्लास में भी पढ़ा है और प्रीवियस वीडियोस में भी आपने पढ़ा है मेरी, कि कैसे एक कन्वेक्स लेंस इमेज बनाता है। तो कई केस आपने डिस्कस किए थे इमेज फॉर्मेशन के, तो आपने उन्हीं केसेस में से एक केस पढ़ा था कि अगर मैं कोई कन्वेक्स लेंस लेता हूँ, ये मेरा कन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इधर इसका एफ फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F, ये इधर वाला फोकस, ये इधर वाला 2F। अगर ऑब्जेक्ट को कभी भी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के इन बिटवीन रख दिया जाता है कहीं पे भी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है बच्चे ए बी, इस ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे रख दिया, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पे भी रख दिया, तो कन्वेक्स लेंस इसकी कैसी इमेज बनाता है, एक बहुत ही बड़ी इमेज बनाता है। देखो कैसे, तो एक रे तो बच्चों यहाँ से पैरेलल गई, तो जो पैरेलल रे गई वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से। ठीक, और दूसरी रे यहाँ पे कहाँ से निकलेगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जब ये दो रेज ऐसे निकल जाएंगी तो यहाँ पे तो ये कहीं भी नहीं मिलेंगी, लेकिन जब ऑब्जर्वर तक ये रेज ऑफ लाइट पहुँचेंगी तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये लाइट रेज कहाँ से आ रही है, कहीं पे इस पॉइंट से आ रही है। तो इस तरह से ऑब्जर्वर को इस छोटे से स्मॉल ऑब्जेक्ट की एक बड़ी इमेज दिखेगी, हाईली एनलार्ज्ड इमेज दिखेगी, ए प्राइम बी प्राइम, और इसीलिए इस लेंस को मैग्नीफाइंग लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एक हाईली मैग्नीफाइड इमेज बना के हमें देता है। तो आज इसी को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस लेंस के केस में हम मैग्नीफिकेशन के लिए एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे आज की इस लाइव, आज की इस क्लास में। ठीक है बच्चे, तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक कन्वेक्स लेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के इन बिटवीन, और वो उस ऑब्जेक्ट की एक बड़ी इमेज बनाता है। रे डायग्राम आपके सामने है। तो चलिए, ये तो आपने जस्ट एक रे डायग्राम देखा, प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास है एक कन्वेक्स लेंस, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो वर्क करता है। तो मेरे पास है बच्चों एक कन्वेक्स लेंस, तो हम देखेंगे कैसे ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट करता है, कैसे ये एक एनलार्ज्ड इमेज जो है बनाता है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली अब दिखाऊंगा। तो सपोज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है बेटा, आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे इस कॉपी पे मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसको हम जूम करके देखेंगे, अभी तो देखो आपको बहुत छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप इसको इस लेंस में से देखेंगे तो ये आपको थोड़ा बड़ा नज़र आएगा। देखो अभी थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है, जैसे ही मैं लेंस लेके आता हूँ तो लेंस इसको क्या कर देता है, हाईली मैग्नीफाइड कर देता है, तो आपको बड़ा नज़र आता है। देखो अभी छोटा नज़र आ रहा है, लेंस आते ही ये बड़ा हो गया। तो इसने लेंस ने क्या किया, यहाँ पे एक हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनाई ऑब्जेक्ट की। तो इस तरह से एक कन्वेक्स लेंस जो है बच्चों वो किसकी तरह एक्ट करता है, एक मैग्नीफाइंग लेंस की तरह एक्ट करता है। तो आज हम इसी कन्वेक्स लेंस को डिस्कस करेंगे कि ये कन्वेक्स लेंस जो मेरे पास है इस टाइम पे, ये जो कन्वेक्स लेंस है इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी होगी, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नीफिकेशन निकालने का एक्सप्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो बच्चों इसमें दो केस आते हैं हमारे पास जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं,
सिंपल माइक्रोस्कोप को, तो इसमें जो हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं बेटा, इसमें दो केस आते हैं, वो दो के दो केस हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस पहले हम पढ़ते हैं, केस वन। तो जो फर्स्ट केस है कन्वेक्स लेंस के केस में, वो फर्स्ट केस कुछ इस तरह से है कि जब ऑब्जेक्ट की जो इमेज बने वो कितनी दूर बने हमसे, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये अभी समझाऊंगा क्या होती है। तो फर्स्ट केस यही है कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक, तो फर्स्ट केस यही है कि जब फाइनल इमेज कहाँ बनती है, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है बेसिकली। तो बच्चों, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन किसे कहा जाता है ह्यूमन आई के केस में, कि हम मैक्सिमम मतलब हम मिनिमम कितनी डिस्टेंस तक देख सकते हैं एग्जैक्टली, मतलब बिल्कुल क्लियरली हमारी जो आईज हैं वो कितना पास तक देख सकती हैं मिनिमम, तो उसे हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप सबने पढ़ा भी है 10th क्लास में कि जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। मीन्स हम 25 सेंटीमीटर तक ही किसी चीज़ को बहुत अच्छे से देख पाते हैं। अगर 25 से कम डिस्टेंस कर दें तो आंखें दर्द होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि आप लोगों ने कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा कि हम जब रीडिंग करते हैं ऐसे कॉपी लेके, तो हम ज़्यादातर अपने से जो डिस्टेंस बना के रखते हैं अप्रोक्सीमेट, वो 25 सेंटीमीटर रखते हैं। अगर मैं ज़्यादा नज़दीक ले आऊँगा किसी चीज़ को तो फिर आँखों पर जोर पड़ना शुरू हो जाता है, अगर मैं ज़्यादा नज़दीक से देखूँगा तो आँखें दर्द होने लग जाती हैं। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है 25 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट, और इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला केस यही है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। मतलब ये जो इमेज यहाँ पे बन रही है बच्चों, इस इमेज की डिस्टेंस क्या होने वाली है, कैपिटल डी होने वाली है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इस केस में हम मैग्निफिकेशन आज फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डायग्राम आपको पता है कि अगर हमें कभी भी इमेज बनानी है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे रखा जाएगा। हम ऑब्जेक्ट को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि उसकी जो इमेज बने वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। मतलब लेंस के साथ हम कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे ऑब्जेक्ट की आगे पीछे करके इसको, कि इसकी जो हमें इमेज नज़र आ रही हो लेंस के अंदर से, इसकी जो ऐसे इमेज नज़र आ रही हो कितनी दूर बने, लगभग 25 सेंटीमीटर दूर बने। तो इस केस में मैग्नीफिकेशन क्या होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है मैग्नीफिकेशन इन केस ऑफ ए लेंस। तो बच्चों, मैग्नीफिकेशन की अगर मैं डेफिनेशन बताता हूँ लेंस के केस में, तो क्या बनती है वो, कि इट इज़ द रेशो ऑफ द एंगल सबटेंडेड by the image to the angle subtended by the object at the least distance of distinct vision. Distinct vision. तो ये डेफिनेशन है बेटा मैग्नीफिकेशन की, कि मैग्नीफिकेशन सिंपली है क्या, ये एक रेशो है, ठीक है ना, क्या है, ये एक रेशो है किसकी, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब जो हमारी इमेज है बच्चों ये कहाँ बन रही है, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये जो एंगल सबटेंड कर रही है हमारी आईज पे, ठीक है ना, एंगल सबटेंड बाय द इमेज एट आईज। अब यहाँ पे जो एंगल हम नोट करेंगे वो कहाँ पे सबटेंड किया जाएगा, हमारी आँखों पे। अब इस केस में हम मान के चल रहे हैं कि हमारी जो आईज हैं वो बिल्कुल लेंस के नज़दीक हैं, हमारी जो आँखें हैं
जहाँ पे ऐसे एंगल बन रहा है वो लेंस के बिल्कुल नज़दीक है, मतलब जो हम जब हम इमेज बना रहे हैं तो हमने लेंस को अपनी आंखों के बिल्कुल नज़दीक रखा हुआ है, ऐसे कि मैं किसी चीज़ को लेंस में देख रहा हूँ तो मैंने लेंस को अपनी आंखों के बिल्कुल नज़दीक रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैंने लेंस को अगर अपनी आंखों के नज़दीक रखा हुआ है तो इसका मतलब जो एंगल ऑप्टिकल सेंटर पे बनाएंगी ये रेज, वही एंगल अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे बन रहा होगा, आइज़ पे। तो हम मान सकते हैं कि आंखों पे ये जो इमेज एंगल सबटेंड कर रही है वो एंगल ये है, और इस एंगल को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ बीटा से। किससे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ? बीटा से। तो बीटा कौन सा एंगल है जो हमारी इमेज ऑप्टिकल सेंटर से बना रही है, मतलब आईज से बना रही है, क्योंकि आईज ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल नज़दीक है, लेंस के बिल्कुल नज़दीक है। तो हम इसमें अप्रोक्सीमेशन मान के चलेंगे कि जो एंगल आंखों पे बन रहा होगा वही एंगल हमारा ऑप्टिकल सेंटर पे भी बन रहा होगा। तो ये एंगल मैंने मान लिया बीटा। तो जो इमेज यहाँ पे बन रही है वो जो एंगल सबटेंड कर रही है यहाँ ऑप्टिकल सेंटर पे वो बीटा है, ठीक। तो इसको एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बीटा से। और फिर बटे में मैंने क्या लिखा? एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आईज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कि अब अगर बच्चों मैं सेम ऑब्जेक्ट को इतनी ही दूर रख लूँ जितनी दूर इमेज बनी है, मतलब एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाऊँ और यहाँ रख लूँ, तो जब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के मैं यहाँ रखूँगा ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम ऐसे रख दूँ यहाँ पे, तो यहाँ रखने पे जब सेम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दूंगा तब ये ऑब्जेक्ट आईज पे जो एंगल सबटेंड करेगा, या हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल ये सबटेंड करेगा, इसे मैंने माना अल्फा। तो इनकी रेशो को बोला जाता है मैग्नीफिकेशन। तो इसका मतलब बच्चों जो मैग्नीफिकेशन है सिंपली एम, वो किसके इक्वल होने वाली है? एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज बीटा डिवाइडेड बाय द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट अल्फा। अब आपने ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा हुआ है? एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बीटा बाय अल्फा। तो ऐसे निकलती है बच्चों मैग्नीफिकेशन। अब क्योंकि हमारे एंगल्स ये स्मॉल हैं बीटा और अल्फा, तो मैं बीटा को सिंपली रिप्लेस कर सकता हूँ टेंजेंट बीटा से, और अल्फा को रिप्लेस कर सकता हूँ टेंजेंट अल्फा से। तो बीटा की जगह आ गया टेंजेंट बीटा, अल्फा की जगह आ गया टेंजेंट अल्फा। तो अब बस हमें सोल्व करना है मैथमेटिकल, टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकालनी है, और इस इक्वेशन में रख देनी है जिससे हमें मैग्नीफिकेशन का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू ट्रायंगल एबीओ से निकल जाएगी, तो फ्रॉम ट्रायंगल एबीओ। तो अगर मैं ट्रायंगल एबीओ की बात करता हूँ, ट्रायंगल एबीओ ये वाली ट्रायंगल देखो एबीओ, ये एंगल बीटा बन रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल से टेंजेंट बीटा निकालूं तो निकाल सकता हूं, मुझे पता है कि जो मेरा टेंजेंट बीटा आएगा वो किसके को आएगा? टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है टेंजेंट। तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आ गया मेरा ए बी अपॉन बेस, बेस मेरा आ गया ओ बी। तो टेंजेंट बीटा बच्चों मेरे पास बन गया ए बी अपॉन ओ बी, ठीक है जी। तो ये टेंजेंट बीटा आ गया। सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम ओ, ये वाली जो ट्रायंगल है ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम ओ, इस ट्रायंगल से मैं टेंजेंट अल्फा निकाल लूंगा, तो टेंजेंट अल्फा यहां से क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है एंगल के सामने? ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, तो ये मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस मेरा क्या आएगा बच्चों? ओ बी डबल प्राइम, तो बेस मेरा आएगा ओ बी डबल प्राइम, तो ये मेरा आ गया बेस। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक। अब जस्ट हमें क्या करना है बच्चों, टेंजेंट अल्फा की जो वैल्यू आई और टेंजेंट बीटा की जो वैल्यू आई, ये वैल्यूज कहाँ पे पुट करनी है इस इक्वेशन में? तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी, तो यहां जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा एम इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा की वैल्यू रख दी ए बी अपॉन ओ बी अपॉन टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू रख दी ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम अपॉन ओ बी डबल प्राइम, ये आ गया बच्चों। अब फर्दर अगर आप ध्यान से देखो इस डायग्राम को, तो जो ए बी है और ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम है वो आपस में इक्वल हैं, देखो डायग्राम से क्लियर हो रहा है ये चीज़।
तो हमें पता है कि डायग्राम से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो हमारा ए बी है दैट इज इक्वल टू ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, है ना, ये बात हमें पता चल रही है साफ साफ। इसके अलावा जो ओ बी डबल प्राइम वाली डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल है ना। ओ बी डबल प्राइम वाली जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। फर्दर अगर मैं साइन कन्वेंशंस यूज़ करूँ, आपको मैंने साइन कन्वेंशंस भी पढ़ाई हैं कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेज मेजर करते हैं वो प्लस आती हैं और उससे अपोजिट जो डिस्टेंसेज मेजर करते हैं वो नेगेटिव आती हैं। तो देखो या ठीक है ना, तो देखो ये जो डिस्टेंस है ओ बी, अब हर डिस्टेंस किसी भी लेंस में कोई भी डिस्टेंस अगर मुझे मेजर करनी है तो वो उसके ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है। अब ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस मेजर करते हुए मैं इस तरफ जा रहा हूँ, इंसिडेंट रे इधर जा रही है, तो मैं ये वाली डिस्टेंस नेगेटिव लूंगा, तो इसका मतलब ओ बी डबल प्राइम क्या होने वाला है, माइनस डी। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है मेरी ओ बी, ओ बी इसको मैंने मान लिया एक्स, तो ये डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी फिर माइनस एक्स, ये वाली डिस्टेंस क्या आ जाएगी, माइनस एक्स, क्योंकि इधर की डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास मैग्निफिकेशन आ जाएगी ए बी अपॉन ओ बी, तो इसको मैं ये लिख लूँगा ए बी अपॉन ओ बी इंटू ओ बी डबल प्राइम अपॉन ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम। आप वैल्यूज पुट कर दो तो आपके पास बनेगा ए बी अपॉन ओ बी, ओ बी की जगह आ जाएगा माइनस के एक्स इंटू ओ बी डबल प्राइम की जगह माइनस डी अपॉन ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम की जगह सिंपली ए बी से ए बी कट गया, माइनस से माइनस कट गया। तो सॉल्व करके बच्चों हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ गई, यहाँ से लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन आ गई डी बाय एक्स। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफिकेशन ऑफ द कन्वेक्स लेंस। तो इस कन्वेक्स लेंस के इस केस में कि जब इमेज कहाँ बनती है, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मैग्नीफिकेशन कितनी आएगी बेटा, डी बाय एक्स आएगी। इसके अलावा बच्चों हम लेंस इक्वेशन का, लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी नया एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ निकाल सकते हैं इस लेंस के लिए, ठीक है। अगर मुझे ये तो जो मैग्नीफिकेशन का एक्सप्रेशन आया है, ये एक्सप्रेशन आया है इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके अलावा दोस्तों हम मैग्नीफिकेशन का सेम एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं किसके टर्म्स में, फोकल लेंथ के टर्म्स में, तो वो देखो कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इसका यही होने वाला है, मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। तो अगर मुझे फोकल लेंथ के टर्म्स में मैग्नीफिकेशन निकालनी है तो मैं यूज करूंगा लेंस फॉर्मूला। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला तो बेटा जब मैं लेंस फॉर्मूला यूज करता हूँ तो मुझे पता है लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज ऑलवेज इक्वल टू 1/f। सभी ने पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ा है और 12th में भी पढ़ा है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो वैल्यूज रखो, v इमेज की डिस्टेंस है तो इमेज कितनी दूर है d डिस्टेंस पे, तो यहाँ आएगा माइनस के d, माइनस वन अपॉन यू, यू कितना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है x, तो यहाँ आएगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस x इज इक्वल टू, अब कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है इधर वाली, ये प्लस में लेंगे तो 1/f, ये इसकी फोकल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है बेटा। तो ये इधर वाली डिस्टेंस है तो प्लस में लेंगे, तो फर्दर आपके पास ये बनने वाला है माइनस 1/d प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/f। तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब फर्दर यहाँ से बच्चों 1/x आपके पास आ जाएगा, ये माइनस 1/d है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/d प्लस 1/f, ये आ गया। अब देखो, अब मैग्नीफिकेशन किसके इक्वल है, डी बाई एक्स, तो अगर मैं दोनों साइड्स को डी से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो क्या होगा, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय डी, तो दोनों साइड्स को मैं डी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इधर मेरे पास बेटा आता है डी बाय एक्स, यहां डी मल्टीप्लाई किया, और इधर डी मल्टीप्लाई करूंगा तो डी बाय डी प्लस डी बाय एफ, तो मैंने डी से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा डी बाय एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ, और डी बाय एक्स आपको पता है क्या है, मैग्नीफिकेशन। तो इसका मतलब बच्चों मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या बन जाता है, 1 प्लस डी बाय
So this is the required expression of magnification for a convex lens, or we can say that magnification of a simple microscope when the image is formed at the least distance of distinct vision. के जब जो image है वो लगभग 25 सेंटीमीटर की distance पे बने. तो I hope सबको यहाँ तक समझ में आ गया. तो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखें वीडियो कैसी लगी, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें. तो ये था बेटा फर्स्ट केस इसका. अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड केस. सेकंड केस है कि जब इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे. ठीक है, अब सेकंड केस में हम मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे कि जब मैं आपके मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे जब इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे. ठीक है, जब इमेज कहाँ बनेगी बच्चे, इन्फिनिटी पे. तो सेकंड केस है हमारा कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. तो अब इस केस में कैसा रे डायग्राम बनेगा सबसे पहले वो देख लें. तो बच्चों सपोज ये मेरा कन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इधर फोकस है, ये इधर वाला फोकस है, ये टू. अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को, ये रख लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को बच्चों रख देता हूँ बिल्कुल फोकस पे. अब ध्यान रखना है, इससे पहले जो हमने केस डिस्कस किया था उसमें हमने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के इन बिटवीन रखा था, बीच में कहीं पे रखा था. लेकिन इस बार बच्चों ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया गया है, फोकस के ऊपर रख दिया गया है. कहाँ रख दिया गया है, ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रख दिया गया है. तो अब इमेज कैसी बनेगी ये देखो. तो जब फोकस पे रख दिया तो एक रे तो पैरेलल जाएगी, कहाँ से निकलेगी, फोकस से. दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, ये इधर कहीं भी नहीं मिलेंगी, और पीछे अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ वहाँ भी कहीं नहीं मिलेंगी. इसका मतलब फाइनल जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनने वाली है, एट इन्फिनिटी. तो एक रियल और मैग्नीफाइड इमेज, मतलब रियल तो नहीं कहेंगे, वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि सच में नहीं मिल रही लाइट रेस. तो लाइट रेस कहाँ पे मिल रही है बेटा, इधर से अगर ऑब्जर्व किया जाएगा इसको, इधर से अगर ऑब्जर्व करेंगे अपनी ह्यूमन आई से हम इसको, तो हम देखेंगे, हमें लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा था तो उसकी इमेज हमें लगेगी बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी. मतलब ये लेंस है, मैं ऐसे इस लेंस में से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ तो मुझे लगेगा कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ, मतलब जो इमेज मुझे दिखेगी इस ऑब्जेक्ट की वो इन्फिनिटी पे दिखेगी, बहुत दूर दिखेगी. तो ये है हमारा केस कि जब ऑब्जेक्ट की इमेज, फाइनल इमेज कहाँ पे बने, इन्फिनिटी पे बने. तो अब इस केस में मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन क्या होगा वो हम अब फाइंड आउट करेंगे. तो ध्यान से देखो बच्चों, तो फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे. तो जैसा मैंने पहले केस में डिस्कस किया था, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो बिल्कुल नज़दीक हैं लेंस के, तो जो एंगल ऑप्टिकल सेंटर पे बनेगा वही एंगल हम जो है ह्यूमन आई पे कंसीडर करेंगे. तो इस केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बनता है वो देखो. तो मैग्निफिकेशन इस केस में क्या बनती है कि एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई फ्रॉम इन्फिनिटी, कि हमारी जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी से हमारी आँख पे कितना एंगल बना रही है. कि देखो ये इमेज है यहाँ, तो जो एंगल ऑप्टिकल सेंटर पे बनता है मैंने कहा था वही ह्यूमन आई पे बनता है. तो इमेज यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर के साथ क्या एंगल बना रही है, ये बीटा. ठीक है, ये वाला एंगल डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड by the object at the least distance of distinct vision. ठीक है, तो इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे. तो मैग्निफिकेशन यहाँ भी वही है बच्चों के, जो फाइनल इमेज इन्फिनिटी से हमारी आंखों पे इमेज एंगल बना रही है वो एंगल बीटा, बटे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आंखों पे कितना एंगल बना रहा है, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे. कहने का मतलब है कि अगर ये मार्कर को मैं एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर करता हूँ, तो ये जो मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं, जो ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से हटा के कितनी दूर रख लूँ,
एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तब ये ऑब्जेक्ट मेरी आंखों पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, कि जो मार्कर है अगर मैं इसको कितनी दूर रख लूँ, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर दूर रख लूँ अपने से, तो ये मेरी आंखों पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, कितना एंगल जो ये मेरी आंखों पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, उस एंगल को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मतलब डेफिनेशन सेम है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया है, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, इसे मैंने कितनी दूर रखा है, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और ये ऑप्टिकल सेंटर पे यहाँ जो एंगल बनाएगा वो रेशो हम यहाँ लेंगे, वो एंगल लेंगे हम यहाँ अल्फा। तो ये कितनी दूर है ऑब्जेक्ट यहाँ से डी डिस्टेंस पे, और ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमें मतलब मैग्नीफिकेशन जो निकालनी है वो किसके इक्वल आएगी, मैग्नीफिकेशन यहाँ पे बच्चों, मैग्नीफिकेशन एम इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। अब सिंपलीफिकेशन कर लेंगे, बीटा की जगह अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल एंगल है तो टेंजेंट बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट अल्फा। तो अब जस्ट हमें क्या करना है, टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक्सप्रेशन में पुट कर देनी है। तो जस्ट वैल्यू पुट करें कर देनी है और कुछ नहीं करना। तो देखो टेंजेंट बीटा क्या आने वाला है बच्चों, टेंजेंट बीटा हम इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे, ये जो ट्रायंगल है हमारी ए बी ओ, तो ट्रायंगल ए बी ओ से मैं टेंजेंट बीटा को फाइंड आउट कर लूँगा, तो टेंजेंट बीटा मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसको। तो देखो, तो टेंजेंट बीटा हमारे पास आएगा इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है मेरा ए बी और बेस है बच्चों मेरा ओ बी। ठीक है, ए बी अपॉन ओ बी, क्लियर है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, तो ए बी मान लिया जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितनी है एच है, या सिंपल ए बी ही रहने दो, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन, ये चलो वैल्यूज बाद में पुट कर लेंगे, तो ए बी अपॉन ओ बी, ये टेंजेंट बीटा आ गया। सिमिलरली बच्चों मैं टेंजेंट अल्फा भी निकाल लूंगा, टेंजेंट अल्फा यहाँ से निकलेगा इस ट्रायंगल से, वो कितना आने वाला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरा ए बी, और बेस मतलब ये वाली डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को मैं कितना मान लेता हूँ डी, क्योंकि ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दिया है, तो ये डी आ जाएगी। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। फर्दर यहाँ पे भी बाकी जगह भी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। अभी ये ओ बी किसके इक्वल है, देखो ओ बी, ओ बी किसके इक्वल है बच्चों, ओ बी फोकल लेंथ के इक्वल है, क्योंकि देखो ये फोकस पे रखा है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है फोकस पे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस किसके इक्वल होने वाली है, फोकल लेंथ के इक्वल होने वाली है। अब इमेज की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव आती है तो ए बी अपॉन माइनस है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आने वाली है ये भी मैं माइनस डी लूँगा, तो मुझे टेंजेंट बीटा पता लग गया, टेंजेंट अल्फा माइनस आपको बता दिया, क्यों लिया माइनस लिया, साइन कन्वेंशंस की वजह से। इधर वाली जो डिस्टेंसेज होती हैं वो नेगेटिव आती हैं, देखो इधर वाली डिस्टेंस है तो माइनस एफ लिया मैंने, समझ गए, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो माइनस एफ है। तो क्लियर है यहाँ तक। तो ये वैल्यूज जस्ट मैं किस में पुट कर दूंगा, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में। तो मैग्नीफिकेशन बच्चों हमारी आ जाएगी टेंजेंट बीटा बटे टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा है मेरा ए बी अपॉन माइनस एफ, और टेंजेंट अल्फा है मेरा ए बी अपॉन माइनस डी। तो ए बी से ए बी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, डी ऊपर चला जाएगा, और आपके पास बच्चों एक्सप्रेशन बन जाएगा मैग्नीफिकेशन का डी बाय एफ। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो जब बच्चों इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तब हमें मैग्नीफिकेशन कितनी मिलने वाली है, डी बाय एफ। ठीक है जी, तो कितनी आने वाली है मैग्नीफिकेशन हमारी, डी बाय एफ आने वाली है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई बेटा, कि जब ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनती है तब मैग्नीफिकेशन आती है डी बाय एफ, और जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है तब मैग्नीफिकेशन आती है वन प्लस डी बाय एफ, जो अभी अभी हमने निकाला था एक्सप्रेशन। तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो मैग्नीफिकेशन किसके केस में ज़्यादा आ रही है, पहले केस में। तो जो फर्स्ट केस है बच्चों उस केस में मैग्नीफिकेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड केस। तो सेकेंड केस में मैग्नीफिकेशन जो है हमें कम मिल रही है, लेकिन भले ही इन्फिनिटी वाले केस में हमें मैग्नीफिकेशन कम मिल रही है, लेकिन इसकी एक एडवांटेज है कि अगर हम इस पोजीशन में इमेज को देखते हैं तो उसको देखना हमारे लिए आसान होता है,
एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट केस, क्योंकि आप खुद देखो एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको नज़दीक रखोगे एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, आप ज़्यादा देर तक उसको नहीं देख पाओगे, आपकी आँखें दर्द होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत दूर है तो आप उसको आराम से देख सकते हो। तो सेकेंड केस में हमारी आइज़ जो है वो कम्फर्टेबली देख सकती हैं इमेज को, लेकिन फर्स्ट केस में कम्फर्टेबली हम नहीं देख सकते, आँखों में दर्द होने लग जाता है लेंस से देखते हुए, ठीक है। तो बस ये फ़र्क है, बल्कि फर्स्ट केस में भले ही मैग्नीफिकेशन ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी इमेज दिखती है, लेकिन उसमें ये ड्रॉबैक रहता है कि फर्स्ट केस में आंखें दर्द होने लग जाती हैं, सेकंड केस में आंखें दर्द नहीं होती। तो ये था आज का टॉपिक। तो आज हमने डिस्कस किया सिंपल माइक्रोस्कोप, इससे नेक्स्ट केस में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसके अलग अलग केस और मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले। तो आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कमेंट भी ज़रूर करें और बताएं क्या बात आपको अच्छी नहीं लगी। धन्यवाद।